हाय फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे टीनेजर गर्ल के लिए वर्टिकल स्वेटर वर्टिकल इसलिए क्योंकि इसे हमने एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक बुनना है और इसके लिए हमने यहाँ पे फोपलाई वूल ली है मल्टी कलर में आप सॉलिड कलर में भी बना सकते हैं इसमें जो वूल यूज हुई है तीन ग्राम थ्री फिफ्टी ऑफ यार्न तो इसके लिए हमने ये मल्टी कलर वूल ली है और 10 नंबर सिलाई ली है 10 नंबर नीडल्स 3.25 पॉइंट mm एमएम साइज और ये जो हमारी वूल है आप सॉलिड कलर में भी यूज कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो है फ्रंट पार्ट बनाना शुरू करेंगे बॉडी बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे 130 फंदे लिए हैं 130 थर्टी स्टिचे लिए हैं और पहले हम इसकी दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए 30 सिलाइया बुन लेंगे वर्क 30 रॉस ऑफ गार्टर स्टिच तो हम दोनों तरफ से अब सीधा सीधा बुनेंगे तो हमारी टोटल 15 धारियां बनेंगी 15 रिप्स बनेगी तो ये बना लेंगे देखिए हमने ये थर्टी रॉज तीस सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन ली है और हमारे ये पंद्रह इस तरह से रिब्स बनी है पंद्रह धारियां बनी है अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमने देखिए क्या करना है पहले ये वाली पूरी रो तो सीधी बुन लेंगे ऑल इन दिस रो तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेते हैं पहले तो ये सारे फंदे देखिए हमने सीधे बुन लिए हैं अब रो टू रॉन्ग साइड दूसरी सिलाई जो है वो उल्टी तरफ से ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को स्लिप किया अब हमने इस फंदे को उल्टा बुनना है लेकिन दो बार धागा पेट कर फिर अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे दो बार धागा लपेटते हुए तो हमने जितने भी ये फंदे हैं लास्ट के एच स्टिच से पहले के जितने फंदे हैं उनको हमने दो बार धागा लपेटते हुए बुनना है परल और स्टिचेस रैपिंग यार्न रेपिंग नीडल ट्वाइस तो एच स्टिच के अलावा हमने सारे ही फंदों को ऐसे ही दो बार धागा लपेटते हुए बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे ये देखिए पूरी रो में हमने दो बार धागा लपेटकर इसे उल्टा बुना लास्ट फंदा हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे अब थर्ड रो, तीसरी सिलाई पहले फंदे को स्लिप करेंगे अब देखिए हमने क्या करना है ये जो चार फंदे हैं, इन्हें उतारेंगे ऐसे चार फंदे उतारेंगे जो पीछे वाले दो फंदे हैं इन्हें इसके बीच में से ऐसे निकालते हुए लेकर आएंगे क्रॉस में अब पहले हम इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे फिर इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे और ये जो चार फंदे हैं इनको हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है एक बार मैं और आपको बताऊंगी देखिए ऐसे चार फंदे उतारे पीछे वाले दो फंदों को ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे पहले इन दो को सीधा बुन लेंगे फिर इन दो को सीधा बुन लेंगे और पूरी रो में ये चार फंदे रिपीट करते हुए हमने ये क्रॉस बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है तो ये रो बना लेंगे हम तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये सारे फंदे इस तरह से क्रॉस कर लिए तो लास्ट में हमारा सिर्फ एक ही फंदा बचता है ऐसा करने से जिसे हम सीधा बुन लेते हैं ये सीधा बुन लिया अब इस तरफ से हमने ये लास्ट रो है हमारे पैटर्न की जिसमें सारे फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है नीट ऑल फ्रॉम दिस साइड तो ये फोर्थ रो है चौथी सिलाई है और इसमें हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे तो हमने रॉन्ग साइड से ये सारे फंदे सीधे बुन लिए अब ये जो हमने चार सिलाई बुनी इन्हीं को हम 21 बार और रिपीट करेंगे रिपीट लास्ट फोर रोज ट्वेंटी वन मोर टाइम्स तो यानि कि हमारी अट्ठासी सिलाइयाँ बननी है पैटर्न की एटी एट रोज बननी है तो पहले ये बना लेते हैं फिर आपको मैं बताऊंगी ये देखिए पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने अट्ठासी सिलाइयाँ बना ली है एटी एट रोज और अगर इंचज में देखेंगे तो हमारी ये टेन एंड हाफ साढ़े दस इंच तक इसकी लंबाई हुई है बॉर्डर के बाद तो अब जैसे हमने सीधा सीधा बुन के ये तीस सिलाई बुनी थी थर्टी रोज बुनी थी तो अब हम आगे फिर से ऐसे ही सीधी सीधी सिलाइयां बुनकर जो है थर्टी रोज़ बुनेंगे इस तरफ से भी अब हमारा पैटर्न जो है वो सीधा आएगा तो दोनों साइड हमारी सेम आनी है इसलिए हम इस तरफ से भी अब सीधा सीधा बुन के इसकी तीस सिलाइयां बनाने के बाद इसे कंप्लीट कर लेंगे तो पहले ये थर्टी रोज़ सीधी सीधी दोनों तरफ से जैसे हमने ये बुनी थी ऐसे बुन लेते हैं देखिए हमने ये तीस सिलाइयां बुन ली है थर्टी रोज फिर से बुन ली है हमारी ये फिर से पंद्रह धारियां बन गई है अब हम यहां से इसे बंद कर देंगे बाइंड ऑफ तो ये ऐसे हम एक फंदा बुनेंगे और अगले फंदे के ऊपर से पास करते जाएंगे तो ऐसे हम ये सारे फंदों को पहले बाइंड ऑफ कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर लिया और ये हमारा एक जो है पीस बनकर रेडी हो गया है इसे हम फ्रंट में भी रख सकते हैं और बैक में भी रख सकते हैं और अगर इंचिस में देखेंगे तो जो हमारा ये पैटर्न वाला हिस्सा है देखिए 19 इंच 19 इंच इसकी लंबाई हुई है जबकि जो हमारा ये सॉलिड वाले दोनों तरफ के हैं वो गाटर घाटस हमने बुने हैं तो उसकी लंबाई साढ़े बीस इंच ट्वेंटी एंड हाफ हुई है तो अब देखिए ऐसे ही सेम हम दूसरा पीस बनाकर अब रेडी कर लेंगे बिल्कुल इतने ही फंदे कास्ट ऑन करके तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा पीस भी बनकर रेडी हो गया है और ये दोनों हमने बिल्कुल सेम तरीके से बनाए हैं ये थोड़ा फाइन बना है तो इसे हम फ्रंट पे रखेंगे देखिए जो हमारा एक ये बैक है और ये फ्रंट है दोनों की ये राइट right साइड जो है ऊपर की तरफ को है अभी ऐसे ये रॉन्ग साइड है इसकी ये रॉन्ग साइड है देखिए राइट साइड को हमने ऐसे ऊपर की तरफ को रखा है और जो पीस आपको फ्रंट पे रखना है उसे ऊपर रखेंगे ऐसे यहां से थोड़ा सा इसे ओवरलैप करते हुए रखेंगे ऐसे एक इंच तक वन इंच तक हम इसे ऐसे ओवरलैप कर लेंगे तो यहां पे हम इसे नीडल से पहले टक कर लेते हैं देखिए ऐसे हमने सुई में धागा लेना है और यहां से इसे हमने कच्चा कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना बाद में हम ये धागा निकाल भी सकते हैं तो ऐसे हम इसे कच्चा कर लेंगे तो यहां से अब हमने स्लीव बनानी शुरू करनी है फंदे उठा के तो ऐसे ही हम इस तरफ से भी अब जो है इन फंदों को स्टिच कर लेंगे पहले ये हमारी जो है इस तरफ से भी यही साइड ऊपर को है तो इस तरफ से भी यही साइड ऊपर को रहनी चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा और यहां से भी हम पहले इसे सिल लेते हैं तो देखिए इस तरफ से भी हमने इसे स्टिच कर लिया है इस तरफ से भी कर लिया है अब दोनों तरफ से हमने स्लीव्स कैसे उठानी मैं एक साइड पे आपको पहले बता दूंगी ये हमने आठ फंदों को ओवरलैप किया है इसके बाद हम यहां से पचास फंदे काउंट करके मार्कर लगा लेंगे यहां से जहां से हमारा ये जुड़ना बंद हुआ था देखिये यहां से तो हम यहाँ से फिफ्टी स्टिचेस जो है नीचे तक आके मार्कर लगा लेंगे पहले तो देखिए पचास फंदे हमने इस तरफ मार्क कर लिए हैं। पचास फंदे हमने इन आठ फंदों के उस तरफ को मार्क कर लिए हैं। तो टोटल अब हमारे जो है एक सौ आठ फंदे हो चुके हैं वन हंड्रेड एट स्टिचेस हो चुके हैं स्लीव के लिए अब हम यहाँ से एक एक करके ये फंदे उठा लेंगे यहाँ से उठाना शुरू करेंगे देखिए तो क्योंकि ये बहुत ही आसानी से गिने भी जा सकते हैं और उठाए भी जा सकते हैं ये देखिए ये जो यहाँ पे ऐसे बार सी बनी हुई है जो चेन बनी हुई है यहाँ से हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे ऐसे तो इन फंदों को हम पहले देखिए यहां तक जो है उठा लेंगे इस मार्कर तक ये देखिए हमने ये 108 फंदे उठा लिए हैं 108 हंड्रेड उठा लिए हैं अब हम जो है इस तरफ से पहले सीधा सीधा बुनते हुए चार सिलाई बुन लेंगे वर्क फोर रोज ऑफ गार्टर स्टिच तो इन फंदों को दोनों तरफ से पहले हम सीधा सीधा बुनते हुए चार सिलाई बुन लेंगे फिर इसके बाद हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है और हर आठ आठ सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से कम करते जाएंगे हमने दूर दूर फंदे कम करने हैं ताकि हमारी स्लीव थोड़ी ढीली ढीली बने बाजू ढीला ढीला बने तो पहले ये बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से स्लीव को जो है बना लिया है पहले यहां से लेकर यहां तक हमने 40 लाइंस पहले बुनी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर 15 जो है धारियां बुनी गार्टर स्टिच की जैसे हमने यहाँ पे साइड पे बुनी थी तो इंचिस में अगर देखेंगे ये देखिए 19 इंच हमने 19 इंच जो है यहाँ पैटर्न को फॉलो करते हुए बुना और टोटल जो हमारी बाजू की लेंथ बनी है वो है 21 हमने इसे लिया है हमारे इस तरह से क्रॉस हुए हैं आप चाहे तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं या वैसे ही इसे टक कर सकते हैं सिल सकते हैं थोड़ा सा और पे हमारे पास लगता है तो तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ उसके बाद हमने बॉर्डर से पहले एक सिलाई में हर पांचवा पांचवा फंदा कम कर लिया तो जैसे हम पांच फंदे बुनते गए दो का इस तरह से उसके बाद वाटर स्टिच से यानी दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हमने बॉर्डर की दस बारह सिलाईया बुन लेनी है फिर साइड्स को सिल लेंगे और दूसरी स्लीव भी अटैच करके इसे पूरा आप कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए हमने इसे पूरा सिल लिया है हमारे शोल्डर्स इस तरह से क्रॉस हुए हैं आप चाहे तो यहाँ पे बटन्स भी लगा सकते हैं या वैसे ही इसे टक कर सकते हैं सिल सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको लूज लगता है तो, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक जुड़े रहिए चैनल से